शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुछ नहीं, वो थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी इसलिए चक्कर आ गया था। मैं ठीक हूँ। अबे बेटा, तुम श्रद्धा को लेके कमरे में जाओ, देखो कितनी गहरी चोट लगी है और सुबह से दौड़ भाग कर रही है। जाओ बेटा, आराम करो तुम। जी मम्मी। रागिनी हमारे घर में आके पहले तो हमें गले लगाई और बाद में पीछे से छुरा मार दिया। अरे क्या हालत बना दी हमारी बहू की। तनुजा जी, माता रानी ने उसे उसके बुरे कर्मों की तब के तभी सजा दे दी। अब बस माता रानी से एक ही प्रार्थना है कि अभय और श्रद्धा कभी भी ना बिछड़े और बस ये परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खिलखिलाता रहे। अब बस एक ही सदस्य की कमी है, कीर्ति को भी घर वापस आ जाना चाहिए। अब तेरे लिए सांस आए सांस जाए, दिन है मेरे रातें भी हैं तेरे लिए। तू बाशिंदा है, तू जावेदा है, तू शाहिदा है या जो है तो मैं हूँ, जो तू ना है तू मैं क्या हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है तुम? इतना बुरा होने के बाद, ये चोट लगने के बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आती है? आपकी हिम्मत देख कर ही मुझे हिम्मत मिलती है। अब अगर आपका साथ होना तो
तो मैं इस दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकती हूँ। जो कुछ भी हुआ, इतना भी बुरा हुआ, हुआ तो मेरी वजह से। तुम कभी मुझे माफ कर पाओगी? क्यों नहीं सुनी मैंने तुम्हारी? क्यों रागनी के साथ वो डील की? उसके बारे में सोचता भी हूं ना तो सही शर्म आती है मुझे। नहीं अभय, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आपने जो कुछ भी किया सिर्फ मम्मी जी के लिए किया है और धोखा उन लोगों ने दिया है। उनकी वजह से आप अपनी आंखें नहीं झुकाएंगे और मैं आपका सर हमेशा उठा हुआ देखना चाहती हूं। श्रद्धा, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, आज के बाद कभी तुम्हारी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैंने हमेशा गलतियां की हैं और तुमने मुझे माफ करके हमेशा मेरा साथ दिया। मैं वादा करता हूं मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा, और अगर नहीं सुनी ना तो मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। अब ऐसा क्यों कह रहे हो? श्रद्धा, नहीं, मुझे बोलने दो। मैंने हमारे रिश्ते को कभी भी वो इज्जत नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी, पर मैं वादा करता हूं मैं बदल जाऊंगा। मैं तुम्हें शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगा। 6 साल तक मैंने सिया को तुमसे दूर रखा, तुम्हारे परिवार को, खुद को। वो 6 साल तो नहीं लौटा सकता, पर वादा करता हूं उन 6 सालों में जितनी भी दूरियां आई थी उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, और किसी को भी हमारे बीच दूरियां नहीं लाने दूंगा। साथ और आपका ही मुझ पर अटूट विश्वास, ये काफी है मेरे लिए। ये तो बहुत हो गया, इस महीने 3,500 रुपए खर्चों की दवाई हुई। और फिर भी आप अपनी बीपी की दवाई लेना भूल जाते हैं। कितनी बार कहा है आपको, अपनी दवाई टाइम से लिया कीजिए वरना तबीयत खराब हो सकती है। नैना जी, आप तो देख ही रही थी ना, घर में इतना कुछ चल रहा था, बस ध्यान नहीं रहा। अब अभय वापस आ गया तो देखिएगा, बिल्कुल समय से दवाई लेंगे हम। ये लीजिए। सब कीर्ति वापस आ जाए घर तो हम परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे? आ जाएंगी वो। पता नहीं नैना जी, कुछ तो है जो वरुण और कीर्ति के बीच में ठीक नहीं है। वो दोनों ही एक नंबर के जिद्दी हैं। तो वो अपनी जिद कब छोड़ेंगे? जब हम चले जाएंगे तब? अरे कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? हाँ, चाहे आपके दुश्मन। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम वरुण से बात करेंगे। नैना जी, कल रक्षाबंधन है, आप पूरी कोशिश करना कि पूरा परिवार इकट्ठा हो। बहुत समय बाद परिवारों के बीच में जो दरारी थी वो अब जाके हटी है। बच्चों, खेल कूद करने में
बुआ जी लाइए, ये मैं कर देती हूँ। गिर जाओगे तुम लोग। पिक्चर्स क्लिक कर दो ना प्लीज। आ जाओ बेटा यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक। हाँ चलो। स्माइल। कह रहा बेटा आप भी जाओ और सिया और सानवी के साथ फोटो खिंचो। अच्छा मन नहीं है पापा। कैसे मन लगेगा उनका जब उनकी माँ ही यहाँ नहीं है। वरुण आप कीर्ति को फोन लगाइए ना। मम्मी मैं पहले भी आपको कह चुका हूं मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।